दोस्तों, मैं आज सेकेंड दिन बनारस के सारनाथ संग्रहालय के आसपास में आया हूँ और सारनाथ संग्रहालय में घूमने आया था। तो आप लोग को मैं बाहर से ही संग्रहालय का नज़ारा दिखा रहा हूँ, आप लोग बने रहे हमारे वीडियो क्योंकि अलाउ नहीं होगी अंदर में वीडियो कैमरा ये सब। आप देखें हमारे वीडियो पे फुल वॉच करें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ सीधा रूट चली आती है सारनाथ टेम्पल से और यहाँ देख रहे हैं कितना सजावट का सामान बिक रहा है और गौतम बुद्ध का प्रतिमा, छोटा बड़ा माला भी मिलता है यहाँ पर। और यहाँ से भी ऑटो कर करके आप रेलवे स्टेशन और गाजीपुर भी जा सकते हैं। और यहाँ देखिए प्रतिमा गौतम बुद्ध का कितना सुंदर बनाया गया है, छोटा बड़ा सभी रूप में है। और सारनाथ का दर्शन कराता हूँ। ये चौक है, यहाँ से गाजीपुर के लिए जा सकते हैं, रेलवे स्टेशन के लिए भी जा सकते हैं। और दोस्तों, आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं गौतम बुद्ध का, जो कि 70 फीट ऊंचाई में बनाया गया है प्रतिमा। चलिए मैं आपको और दर्शन कराता हूँ और कितना सुंदर से यहाँ फूल की कटिंग किया जा रहा है और दोनों साइड में बहुत ही खूबसूरत पार्क बनाए गए हैं और बहुत से आज दूर दूर से तीर्थ यात्री आए हैं दर्शन करने के लिए यहाँ पर। और चलिए मैं आपको दर्शन कराता हूँ ब्लैक बुद्धा, गौतम बुद्ध का प्रतिमा बना हुआ है, आप उनसे भी दर्शन कीजिए। इस जगह पर कई मंदिर मठ संग्रहालय देखने को मिल जाएंगे। यह स्थान बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थों में से एक है। सारनाथ का नाम सारंगनाथ से लिया गया है, जिसकी वजह से इस स्थान का नाम सारनाथ है। और यहाँ सामने जो देख रहे हैं, यहाँ पार्क बनाया गया है बहुत ही सुंदर। और सामने जो देख रहे हैं एंट्री गेट है, यही थाई टेंपल बोला जाता है। यहाँ पर सभी गौतम बुद्ध का दर्शन करके निकल रहे हैं और यहाँ अशोक स्तंभ का सेल्फी देते हुए और यहाँ वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न में गौतम बुद्ध का प्रतिमा, और यहीं पर ध्यान लगाते थे अपना। और सामने जो दिखाई दे रहा है वो वृक्ष है, गौतम बुद्ध का सेल्फी लेते हुए। ये वाराणसी अपनी पुरानी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।